हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के फिजिकल एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोग या वीडियो जो देख रहे हैं जिसमें बच्चे रनिंग कर रहे हैं, या वीडियो एसएससी जीडी में इससे पहले जो वैकेंसी आई थी जिसमें सबसे पहले बच्चे को रनिंग टेस्ट लिया गया था, यानी फिजिकल एग्जाम सबसे पहले हुआ था, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया गया था। और दोस्तों, इस बार एसएससी जीडी का जो आंसर की जारी किया गया है, अगर आपको लगता है कि एसएससी जीडी का आंसर की के आने के बाद आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं और फिजिकल एग्ज़ाम के लिए अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप अभी से फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इस बार फिजिकल टेस्ट में अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में तय करनी होगी, और इस एग्ज़ाम में सिर्फ फिजिकल एग्ज़ाम में रनिंग टेस्ट ही लिया जाएगा और कोई टेस्ट इसमें नहीं है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करनी होगी, यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में फीमेल स्टूडेंट को तय करनी होगी। और फीमेल स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में जो आंसर की जारी किया गया है उसमें अगर आप ठीक ठाक मार्क्स आ रही है, तो आप अभी से फिजिकल टेस्ट की तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों का अच्छी तैयारी हो जाए। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी का रिजल्ट 31 मई को जारी किया जाएगा, और रिजल्ट जारी होने के 10 से 15 दिन के बाद फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 10 से लेकर 15 दिन के अंदर ही एसएससी जीडी का फिजिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप लोगों का एसएससी जीडी के रनिंग टेस्ट में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, बाकी की जानकारी आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी में प्रत्येक अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैक में आपका फिजिकल एग्ज़ाम में रनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।